हेलो, नमस्ते। आज फेसबुक के कई प्रयोग में हमने सोचा कि दोपहर में करके देखते हैं, आपको क्या ये टाइम सूट करता है ये देखने के लिए। इसलिए भी कि आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही, तो उस पे जवाब तो बनता है, उसके ऊपर ध्यान करना बनता है, उसके बारे में सोचना बनता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज रात या शाम को बात करने की बजाय दोपहर 2 बजे आपसे बात करें। स्थिति बदल रही है, बहुत तेजी से समाचार आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से, खासतौर पे पिछले 24 घंटे से जो समाचार सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो समाचार इसी के हैं कि कितने लोग अटके हुए हैं जगह जगह पे। खासतौर पे खबरें आ रही हैं दिल्ली के नजदीक नोएडा से, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर की तस्वीरें आ रही हैं। इतनी ज्यादा तस्वीरें आ रही हैं और इतनी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, और वो पूरी रात भर ये संकट जारी रहा। अभी मैंने एक दोस्त से बात की जो इस वक्त आनंद विहार बस टर्मिनल के नजदीक है, और वो बता रहे हैं कि बस टर्मिनल अंदर से तो खाली हो गया है, लेकिन बाहर अभी भी वहां सैकड़ों लोग खड़े हुए और आसपास सड़कों पे लोग आ रहे हैं। और कई जगह दिल्ली में यूपी बॉर्डर पे पहुंचने से पहले ही लोगों को रोक लिया गया है, तो जगह जगह पे लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। चारों तरफ से दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं, दिल्ली में कोई 9-10 बॉर्डर हैं जो कि उत्तर प्रदेश या हरियाणा में खुलते हैं, और सब तरफ से खबर आ रही है इसी तरह की अफरा तफरी की। हालांकि कल से स्थिति उत्तर प्रदेश की तरफ से थोड़ी सी सुधरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें लगाई हैं, बसें लोगों को लेके गई हैं, बहुत लोगों को। उसमें काफी अफरा तफरी हुई, धांधली भी हुई, जो कि ऐसी परिस्थिति में होती ही है। लेकिन अभी भी हजारों लोग सड़कों पे हैं यहाँ पे। ये तो दिल्ली की बात है जिसके बारे में खबर आ जाती है, लेकिन मामला सिर्फ दिल्ली उत्तर प्रदेश का नहीं है। कल आंध्र प्रदेश बॉर्डर से तस्वीरें आ रही थी, बिहार से तस्वीरें आ रही हैं, जो बता रही हैं कि हर तरफ, हर बड़े शहर के बाहर कुछ ऐसा ही मंजर है। हजारों लोग अपना घर छोड़ के जाना चाह रहे हैं और वो अटके हुए हैं। गुजरात राजस्थान बॉर्डर की आज सुबह खबरें आई हैं, वहां पे सैकड़ों लोग बॉर्डर से जस्ट पहले रोक लिए गए हैं। गुजरात पुलिस या तो उनको वापस महाराष्ट्र में धकेल रही है, या जो राजस्थान की तरफ जा रहे हैं उनको गुजरात में ही रोका जा रहा है। तमाम हजारों लाखों लोग जो कि देश में अलग अलग जगह पहुंचना चाहते हैं, वो रुके हुए हैं। इसके बारे में हिंदी के प्रसिद्ध कवि विष्णु नागर जी ने एक कविता लिखी है, जो थोड़ी देर बाद में आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। कुल मिला के जो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की खबर है, वो यही है कि 1,000 का आंकड़ा पार कर चुका है ऐसे लोगों का जो कि इन्फेक्टेड हैं, लेकिन अभी भी डेथ्स हमारे यहाँ बहुत कम है, और बाकी दुनिया की तुलना में जो इन्फेक्शन है वो भी अभी काफी कम है। अभी भी हम 1,038 का आंकड़ा आज सुबह का है, जो कि बाकी दुनिया के देशों में जो हो रहा है उससे कम है। जो खतरा है, जो डर है, वो यही कि एक स्टेज के बाद जब ये आंकड़ा बढ़ना शुरू होता है तो इतनी तेजी से बढ़ता है कि फिर कोई उसको रोक नहीं पाता, जैसा कि इस वक्त अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में जितनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहां तमाम किस्म के संकट पैदा हो रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा इन्फेक्शन की संख्या का नहीं है, सबसे बड़ा खतरा जो मृत लोग हैं उनकी तादाद का नहीं, सबसे बड़ा खतरा है इससे उत्पन्न जो आजीविका का संकट है, जो लोगों की परिस्थिति है उसका संकट सबसे बड़ा है। और आज उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। कल मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, वीडियो डाला था, जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक छोटा सा कस्बा है जायस, और उसके पास एक कॉलोनी है लोगों की, जिनसे पूछा हमारे साथी संजय जी वहां गए, उन्होंने बातचीत की। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे 35-40 साल से रह रहे हैं, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, बैंक में कोई उनका नाम नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे लोग आजीविका के संकट से कैसे निपटेंगे ये समझ नहीं आता। इसके ऊपर जले में नमक छिड़कने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है बलबीर पुंज जी, 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके, उन्होंने कहा कि ये जो मजदूर हैं ये क्यों जा रहे हैं,
जाके कोई गांव में नौकरी मिल जाएगी इन्हें। और उन्होंने कहा ये निहायत दर्जे के गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, इररेस्पॉन्सिबल लोग हैं जो जा रहे हैं। ये तो गांव में छुट्टी काटने के लिए जा रहे हैं ताकि यहां पे कोई काम नहीं, वहां पे जाके छुट्टी करेंगे, बताइए देश का नुकसान कर रहे हैं। इस किस्म की बातें मैं सोच ही रहा था, अगर कांग्रेस का कोई दोयम दर्जे का नेता ऐसी बात कह देता तो पूरा शासन प्रशासन मीडिया उसको दिन रात दिखाता और कहता कि अब ये माफी मांगे वो माफी मांगे। पता नहीं क्यों बलबीर पुंजी के कहने के बाद मैंने किसी बड़े प्लेटफॉर्म से ये बात आती हुई नहीं सुनाई थी कि वो माफी मांगे, उनकी पार्टी माफी मांगे। खैर, माफी से जिक्र से ध्यान आया प्रधानमंत्री के मन की बात का। प्रधानमंत्री ने अभी आज जो संडे को किया करते हैं मन की बात, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है दरअसल, प्रधानमंत्री का लोगों से कम्युनिकेट करना एक अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने आपकी मन की बात में कोविड-19 का जिक्र किया है, आज सारी बात इसी के ऊपर रही। और उन्होंने कहा लोगों से कि आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, आपको बुरा लग रहा होगा, और इस कष्ट के लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, निर्णय यही लेना था, इस निर्णय से कष्ट होगा लेकिन ये राष्ट्र के हित में है। उन्होंने उस बीमारी से ठीक हुए कुछ मरीजों से बात की, डॉक्टर से बात की, नर्सों का जिक्र किया और सब लोगों से अपील की कि वो यथासंभव जिसको हो सके मदद दें। अच्छी बात है, एक प्रधानमंत्री को ये बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि देश को एश्योर करें और ये एश्योर करने वाली बातें अच्छी हैं। मुझे मन में जरूर रहा कि जब मरीज से बात की, डॉक्टर से बात की, तो भाई ये सड़क पे जो लोग जा रहे हैं इनमें से भी किसी से बात कर लेते, पूछ लेते कि भाई क्यों जा रहे हो। बलबीर पुंजी ने तो कह दिया है कि ये तो गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक दो जगह गैर जिम्मेदाराना शब्द का इस्तेमाल किया, हालांकि गरीबों के लिए नाम लेके नहीं कहा उन्होंने ऐसा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री उनसे भी बात कर लेते तो कितना अच्छा रहता। लॉकडाउन हुए 4 दिन अब हो चुके हैं, 4 दिन पूरे हो गए हैं, आज 5वां दिन है। जाहिर है पिछले 4-5 दिन में खूब अराजकता हुई है, खूब तरह की समस्याएं आई हैं। ऐसा बड़ा जब भी कोई फैसला होता है उसमें तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आज 5वां दिन है और कम से कम आपको ध्यान होगा पिछले 10 दिन से मैं शुरू में अपने साथी अभिक साहा के साथ, अब वो कलकत्ता चले गए हैं तो अकेला मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समस्या के बारे में, हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा पहले दिन से लेके आज तक हमने हमेशा कहा है कि इस संकट में ये एक मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी है और ऐसे में सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार को सहयोग की जरूरत है। हमने बार बार कहा ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी को भी पूरा ठीक पता नहीं है क्या अच्छा निर्णय है क्या बुरा निर्णय है, तो सरकार को सहयोग चाहिए, सरकार को समर्थन चाहिए। छोटी मोटी गलती हो जाए कोई बात नहीं, ऐसा हमने पहले दिन से कहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की मैंने कहा भी लिखा भी कि ये निर्णय बहुत कठोर है, बहुत कड़वा होगा, लेकिन इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए। तमाम लोग बहुत हैरान भी हुए, हमारे पत्रकार हैं शेखर गुप्ता जी, जब उनके वेबसाइट प्रिंट के लिए मैंने लिखा तो उन्होंने चुटकुला सा बनाते हुए लिखा कि देखो आज, क्योंकि उसी दिन एक अय्यर साहब है उन्होंने मोदी जी की आलोचना करते हुए लिखा, वो मोदी भक्त है, तो उन्होंने चुटकुला काटा कि देखो आज कैसा दिन है, योगेंद्र यादव प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं और अय्यर साहब प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। मैंने किया, कई दोस्तों ने कहा कमाल है तुम प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हो, उनका क्यों नहीं, ये एक राष्ट्रीय इमरजेंसी की स्थिति है और अगर सही फैसला होता है तो हमें इसमें करना चाहिए। आपको ध्यान होगा पहले दिन से हम कह रहे हैं ये पक्ष विपक्ष का खेल खेलने का प्रश्न नहीं है, ये उससे बड़ा सवाल है। और ऐसे में केवल विरोध के लिए विरोध करने की बात हमें नहीं करनी चाहिए, हर बात का हर निर्णय का संतुलित मूल्यांकन होना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए मानो मैं उस कुर्सी पर बैठा हूं तो मैं कैसे फैसले लूंगा, क्या फैसले ले सकता हूं क्या फैसले नहीं ले सकता हूं, ये सोचने के बाद ही किसी किस्म का मूल्यांकन और आलोचना होनी चाहिए। तो आज जबकि 4 दिन पूरे हो गए हैं, जब हमने देख लिया है कुछ असर, उसके बाद मूल्यांकन करने का समय बनता है। अगर वो उपलब्ध हो तो
जब भी उपलब्ध हो जाए तो मैं वो विष्णु नागर जी की कविता है जो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, वो शायद वो व्हाट्सएप के ऊपर होगी। विष्णु नागर जी की कविता आज ही उन्होंने लिखी है। विष्णु नागर हमारे हिंदी के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं आज की तारीख के, और उन्होंने इसके बारे में आज ही शायद एक कविता लिखी है, व्हाट्सएप पे आई है और मेरे मन को छू गई। उन्होंने कहा है, महापलायन गांव की ओर। कविता का शीर्षक यह है, महापलायन गांव की ओर। कई और साथियों ने भी महापलायन शब्द का जिक्र किया है। ओम थानवी जी जितनी पिक्चर्स भेज रहे हैं सबको महापलायन, क्योंकि ये तस्वीरें देख के। और कल एक तस्वीर आई एक बच्ची की, छोटी सी बच्ची है, कुछ 8, 9, 10 साल की होगी, बड़ी सारी गठरी उठाए हुए बच्ची चल रही है, कपड़ों की गठरी होगी, समझ नहीं आता कैसे वो गठरी उठा के बच्ची चल रही है। एक तस्वीर आई थी परसों, 90 साल की एक बुढ़िया पैदल चल रही है। कल तस्वीर थी एक आदमी युवा है, 30-35 साल का होगा, वो अपनी पत्नी को, पत्नी के पाँव में फ्रैक्चर है और कंधे पे अपनी पत्नी को बैठा के 200 किलोमीटर की यात्रा पे चल रहा है। तो ये सब तस्वीरें विष्णु नागर जी के मन पे रही होंगी, उन्होंने कविता लिखी है। बस ये छोटी कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर अब तक सरकार ने जो किया है उसका मूल्यांकन, कहाँ आलोचना करना सही है, कहाँ आलोचना करना सही नहीं है, इस पे हम निगाह डालेंगे। कविता विष्णु नागर जी, जैसे आंधी से उठी धूल हो लोग शहर से गांव चले जा रहे हैं, जैसे 1947 फिर आ गया हो लोग चले जा रहे हैं। मेरे मन में भी वही तस्वीर आई थी, 1947 की आप इमेजेस देखिए, लोग सब कुछ अपना सामान उठा के पैदल चले जा रहे हैं, कुछ वैसी छवि आ रही है वापस। भूख चली जा रही है, आंधी चली जा रही है, गठरियां चली जा रही हैं, झोले चले जा रहे हैं, पानी से भरी बोतलें चली जा रही हैं, जिन्होंने अभी खड़े होना सीखा है, 2 कदम चलना सीखा है, जिन्होंने अभी अभी घूंघट छोड़ना सीखा है, जिन्होंने पहली बार जानी है थकान, सब चले जा रहे हैं गांव की ओर। कड़ी धूप है, लोग चले जा रहे हैं, बारिश रुक नहीं रही, लोग भी थम नहीं रहे हैं, भूख रोक रही है, लोग उससे हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं। दोबारा सुनिए, भूख रोक रही है, लोग उससे हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं, महानगर से चली जा रही है उनकी नींव, उनका मूर्ख आधार हंस रहा है। उसका बेटा चला जा रहा है, मेरी बेटी चली जा रही है, आस टूट चुकी है, आंसू आंखों में आंसू थामे चले जा रहे हैं लोग, उन्हें देखकर भी नहीं देखे चले जा रहे हैं लोग। आधी रात है, आंखें आसरा ढूंढना चाहती हैं, पैर थकना चाहते हैं, भूख रोकना चाहती है, कहीं छांव नहीं है, रुकने की बित्ता भर जमीन नहीं है, लोग चले जा रहे हैं। सुबह तब होगी जब गांव आएगा, रोना तब आएगा जब गांव आएगा, थकान तब लगेगी, बेहोशी तब छाएगी जब गांव आएगा, हाथ में बीड़ी नहीं, चाय का सहारा नहीं होगा, 800 मील दूरी फिर भी पार हो जाएगी गांव आएगा। एक नरक चला जाएगा, एक नरक आ जाएगा, अपना होकर भी जो कभी अपना नहीं रहा वह आसमान आ जाएगा गांव आ जाएगा, एक दिन फिर लौटने के लिए गांव आ जाएगा, फिर आंधी बन लौटने के लिए गांव आएगा, मौत आ जाएगी, शहर की आड़ होगी, गांव छुप जाएगा। विष्णु नागर, कई बार कविता वो सब कह देती है जो हम लंबे लंबे लेखों में नहीं कह पाते, लंबे विश्लेषण में नहीं कह पाते। ये कविता और जो छवियां हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, जो तमाम खबरें आ रही हैं, बिहार में एक मौत की खबर आ गई है, हालांकि ये मुसहर समाज है बिहार का, जिसके बारे में कहा जाता था पुराने जमाने में कि चूहा खा के जीते थे लोग, उस समुदाय के एक व्यक्ति की भोजपुर से मौत की खबर है। अभी संशय है कि केवल भूख के कारण है या कैसे है, भुखमरी की कगार पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में हमें मूल्यांकन करना, 4 दिन हो गए हैं, आज 5वां दिन है। सरकार की 2-3 बातों के बारे में आलोचना करना गलत होगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा, मुझे माफ कर दीजिए,
दो बात है जिसके बारे में उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा किया, लेकिन माफी दो चीज के बारे में नहीं मांगनी चाहिए। पहला, इस कड़े निर्णय की वजह से। ये निर्णय बहुत कड़ा है, पूरे देश को लॉकडाउन करना कोई साधारण निर्णय नहीं है, लेकिन ये निर्णय देश भर की दुनिया भर की सरकारें ले रही हैं, भारत एकमात्र नहीं है। भारत ने दूसरों से थोड़ा पहले ही ये फैसला लिया है, और पहले फैसला लेने की वजह से आलोचना करना गलत होगा। और जब इतना बड़ा निर्णय इतने बड़े देश में लिया जाता है, उसमें 2-3% कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी, कुछ ना कुछ अफरा तफरी, कुछ ना कुछ समस्या अराजकता होगी ही होगी जब इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री को केवल उसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरा, इस निर्णय में क्या कोई गलती हो सकती है? हो सकता है आज से 2 महीना बाद, 4 महीना बाद कोई कहे कि ये निर्णय लॉकडाउन के अच्छे नहीं थे, लेकिन आज जितनी सूचना उनके पास है उसके आधार पर ये निर्णय लेना ही समझदारी का काम था। इसके बारे में आलोचना नहीं होनी चाहिए। जो निर्णय के बारे में किन बिंदुओं पर आलोचना होनी चाहिए? सरकार की गलती की आलोचना होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सरकार की गलती के लिए 10-20% का आपको मुआवजा रखना चाहिए, इसलिए कि ये ऐसी परिस्थिति है जो किसी सरकार ने पहले देखी नहीं। जो भी बैठेगा कुछ निर्णय लेगा, कुछ गलती होगी, उस गलती की चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन यह गलती कोई दूसरी सरकार होती तो शायद वो भी करती, इसलिए केवल उस आधार पर चर्चा न करें। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हमें जरूर पूछने चाहिए, वो गलतियां जो होनी नहीं चाहिए थी उनकी चर्चा करना चाहता हूं। और 4 सवाल, अभी तो पक्का हम नहीं हो सकते, 4 सवाल हैं जो मैं यहां पूछना चाहता हूं सरकार से, सरकार के समर्थकों से, साथियों से। पहला सवाल, क्या आपने एडवांस में तैयारी की? प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा 24 तारीख को की, उससे पहले 22 तारीख को रिहर्सल हो चुकी थी, उससे पहले प्रधानमंत्री रिहर्सल की घोषणा कर चुके थे। एक दिन का कर्फ्यू, ताली थाली, जनता तर कर्फ्यू, सबकी घोषणा हो चुकी थी। यानी कि यह घोषणा करने से 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री को एहसास रहा होगा, निर्णय हो सकता है ना लिया हो, लेकिन एहसास रहा होगा कि हमें कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। एक दिन का कर्फ्यू उसकी तैयारी थी, तो वो 5 दिन थे। क्या जनता को इसके बारे में तैयारी नहीं की जा सकती थी? आज जो देश भर में अफरा तफरी मची हुई है कि अरे इतने लोग सड़कों पे आ गए, क्या हैरानी की बात है? क्या पता नहीं था कि लोग सड़कों पे आएंगे? जब लोगों के पास, जब उनकी आजीविका बंद हो जाएगी, इस देश में इतने लाखों नहीं करोड़ों माइग्रेंट लेबर हैं, करोड़ों लोग हैं, वो करोड़ों लोगों का खाना बंद हो गया, आजीविका बंद हो, और ये सीजन है। प्रधानमंत्री को यह भी पता होगा कि ये सीजन है जबकि मजदूर सामान्यतया अपने घर वैसे भी गांव वापस जाते हैं। क्यों? आप किसी भी मजदूर से बात करके पूछ के देखिए, वो बताएगा जी कटाई का सीजन है, इसलिए हमें जाना होता है, अपने यहां पे मजदूरी करता है। छोटी किसी खेत का भी मालिक है, 1 एकड़, आधा एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ का मालिक है, उसको जाके अपनी फसल की कटाई भी करनी है। ये सब बातें पता थी। ऐसे में इसकी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई? ये जो आज अफरा तफरी की स्थिति है, इसके बारे में अंदाज लगाना कठिन नहीं था। कुछ चीजें जिससे आपको हैरान होना चाहिए, हैरान होना पड़ता है, पता नहीं भाई कैसे हो गया, मगर ये बात थी जिसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, ये तो पता था। इसकी तैयारी क्यों नहीं? आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू कर दी थी, और रेलवे ने प्रधानमंत्री से परमिशन मांगी थी कि हम और स्पेशल रेल चलाना चाहते हैं, क्योंकि 18-19 तारीख तक स्पष्ट था, पुणे से, आपने देखा होगा तस्वीरें, पुणे से, मुंबई से स्पेशल ट्रेन भर भर के बिहार में जा रही थी, ट्रेनें भरी हुई थी, यानी कि लोग जाने को तैयार थे।
और रेलवे डिपार्टमेंट सरकार से परमिशन मांग रहा था कि इन लोगों को हम भिजवा दें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि नहीं, एकदम सब कुछ बंद करना है। तो पहला प्रश्न, क्या सरकार ने तैयारी की थी? साधारण सी बात बताता हूं मैं आपको। किसानों की मंडी का यह समय है, फसल बेचने का समय है। क्या सरकार ने इसके बारे में पहले से सोचा था कि भाई फसल बेचने का समय है, एग्रीकल्चर मंडी को कैसे हम हैंडल करेंगे? ये कोई अनहोनी बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य घटना है। इस मौसम में बारिश हो जाए, ओले हो जाए, आपको थोड़ा हैरानी होगी, लेकिन फसल की कटाई होनी है, लोगों को वापस जाना है, किसान को अपने खेत में जाना है, किसान को मंडी पे जाना है, कोई हैरानी की बातें नहीं है। क्या इसके बारे में एंटिसिपेट किया गया? ये प्रश्न है जो भारत को पूछना चाहिए, ये प्रश्न है जिसका जवाब मिलना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या तैयारी समय से की थी। ये जिम्मेवारी राज्य सरकार पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था। राज्य के मुख्यमंत्रियों को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री 4 घंटे के नोटिस पे सब कुछ बंद करने वाले हैं। तैयारी प्रधानमंत्री को ही करनी थी, तैयारी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को करनी थी। क्या उसकी तैयारी हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब ये निर्णय लिया गया, क्या ये निर्णय ठीक ढंग से कम्युनिकेट किया गया? क्योंकि किसी भी निर्णय को सही समय से ठीक तरीके से कम्युनिकेट करना बेहद जरूरी है। क्या इसे कम्युनिकेट किया गया? कम्युनिकेट किया गया प्रधानमंत्री के एक भाषण के माध्यम से। उन्होंने 4 घंटे का नोटिस दिया, लोगों को फिर नोटबंदी की याद आ गई, जब फिर 4 घंटे का नोटिस मिला था। ना नोटबंदी के समय 4 घंटे के नोटिस की जरूरत थी, बाद में अर्थशास्त्रियों ने बताया कि 3 महीने का नोटिस भी दे देते तो एग्जैक्टली वही होता जो हुआ था। और इस बार भी इमरजेंसी थी, लेकिन क्या 4 घंटे का नोटिस देने की जरूरत थी? 24 घंटे का नोटिस हो जाता, 48 घंटे का नोटिस हो जाता, अगर प्रधानमंत्री अपने पहले भाषण में लोगों को बता देते कि भाई जिसको 24 तारीख तक जाना है वो चला जाए, उसके बाद हम कुछ फैसला लेंगे। आप कहेंगे ऐसे में तो लोग वहां पे चले जाते। ये बात सच है, दिल्ली में जो लोग हैं, काफी लोग बिहार चले जाते, उत्तर प्रदेश चले जाते, लेकिन वो तो आज भी जा रहे हैं। भूखे आदमी को आप कैसे रोक के रख सकते हो? तो इतना छोटा नोटिस दिया गया, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद 4 घंटे का समय दिया गया। और मुझे लगा प्रधानमंत्री ऐसे कम्युनिकेशन में माहिर हैं, लोगों से बात करते हैं, मुझे लगा उस दिन उनकी भाषा डरावनी थी, डराने वाली भाषा थी। लक्ष्मण रेखा घर के इर्द गिर्द खींच लो, अगर 21 दिन में नहीं किया गया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। ले दे के असर ये हुआ कि सब लोगों को लगता है कि भाई ये कम से कम प्लेग और चेचक जैसी बीमारी तो है, उससे ज्यादा ही बड़ी हो सकती है। इस वक्त मैं साधारण लोगों से बात करता हूं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं जिनकी बिटिया विदेश से आई है, और उन्होंने जो सामान्य नागरिक को करना चाहिए, बिटिया को क्वारंटाइन में रख दिया है, अलग फ्लोर पे, कोई उससे टच नहीं। उनके मोहल्ले वालों ने मियां बीबी को बाहर निकलने से मना कर दिया। जब वो सैर करने निकले तो मोहल्ले वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे सब देश को खतरा है, आप वापस अपने घर जाइए। ले दे के हमने देश में ऐसा माहौल बना दिया है जैसे कोई पूरे देश में प्लेग फैल गई हो, चेचक फैल गई हो। अगर इसके बदले प्रधानमंत्री साधारण बातें लोगों को बताते कि देखो 100 लोगों को अगर ये बीमारी होती है तो उसमें से केवल 1 या 2 लोगों की जान को खतरा है, ज्यादातर लोगों की जान को खतरा नहीं है, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के मुंह से आती तो लोग थोड़ा संयत तरीके से, ये ऐसी स्पीच आश्वस्त करने के लिए दी जाती है, लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है कि देखो हाँ आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, घर में रहिए, लेकिन कोई जानलेवा चीज नहीं। इस वक्त बिहार उत्तर प्रदेश में लोग वापस जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई पुणे नागपुर जहां से भी वो जा रहे हैं वापस जा रहे हैं, और उनको गांव की बाउंड्री पर रोका जा रहा है जैसे कोई छूत का रोग लेके आ गया हो कि तुम गांव के बाहर रहो, अंदर नहीं घुसने देंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ। कम्युनिकेशन में इतना भी प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि चिंता मत करो कल सुबह फल सब्जी की दुकान खुलेगी, चिंता मत करो कल सुबह दूध आपको मिलेगा, कर्फ्यू जैसा होगा
सुन के अफरा तफरी मुंबई में, देश भर के अंदर लोग आधी रात को भाग रहे हैं, रात के समय भाग रहे हैं, दुकानों के बाहर लाइन लगा रहे हैं, वही भीड़ इकट्ठी हो रही है जिसको रोकने का प्रयास था। क्या इसे ठीक ढंग से कम्युनिकेट किया गया, यह प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न, प्रॉपर रेस्पॉन्स। जब एक बार लागू हो गया उसके बाद आपको जो जो खबर आ रही है, जो जो दिक्कतें आ रही हैं, और ऐसे में दिक्कत बहुत बार आती है, क्या दिक्कत को ठीक तरीके से रेस्पॉन्ड किया जा रहा है? फिलहाल तो लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा। दो तीन बातें बार बार कही गई, और ये लॉकडाउन के बाद नहीं, लॉकडाउन से पहले हमारे जैसे लोग बार बार कह रहे थे, देखिए इसकी सबसे बड़ी मार गरीब पे पड़ने वाली है, वो गरीब जो शहरों में रहता है, वो गरीब जो गांव में रहता है। उसके अलग अलग तरीके भी बता रहे थे कि किस तरीके से उस गरीब की समस्या को सुलझाया जा सकता है, लेकिन न तो पहले हुआ और बाद में भी 36 घंटे बाद एक घोषणा हुई। जो घोषणा हुई उसका मैं मूल्यांकन करके बता ही चुका हूं कि उसमें एक तो बहुत अच्छी घोषणाएं हुई, 5 किलो आटा राशन प्रति माह एडिशनल देने का जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन ये सब फैसले तो पहले से लेके सरकार रख सकती थी। पहले दिन से खबर आनी शुरू हुई कि एग्रीकल्चर मंडी में समस्या आ रही है, खबर ये आनी शुरू हुई कि अंडे चिकन का जो व्यापार करते हैं उनको दिक्कत है। हर बात को रेस्पॉन्ड में 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा लग रहा है। क्या रेस्पॉन्स उस तेजी से हो रहा है जो होना चाहिए? परसों से 72 घंटे पहले से हम जान रहे हैं कि लोग पैदल शुरू कर रहे हैं। अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है, केंद्र सरकार ने अब तक कोई एक क्लियर जवाब नहीं दिया है इन लाखों लोगों के लिए जो अपने अपने घर पैदल जा रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, गांव पहुंचना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहिए हर एक को। आज तक केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। कल शाम को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को एडवाइजरी गई, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि आप इन लोगों का ध्यान रखिए, आप इन लोगों के खाने पीने का ध्यान रखिए, आप चाहें तो डिजास्टर रिलीफ फंड में से पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सही है, राज्य सरकारें कर रही, कुछ राज्य सरकारों ने काफी अच्छा काम किया है, हर राज्य सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती, कईयों ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन पहली जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है। क्यों है केंद्र सरकार की? क्योंकि इस देश में महामारी से निपटने के दो तरीके हैं, एक एपिडेमिक एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, चाहे तो सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती थी। एपिडेमिक एक्ट का इस्तेमाल किया जाता तो सारे निर्णय राज्य सरकारें लेती और सारी जिम्मेवारी भी मुख्यतः राज्य सरकारों के सर पे आती। केंद्र सरकार ने वो इस्तेमाल नहीं किया और मेरे को लगा अच्छा फैसला किया, राज्य सरकारों पे निर्णय छोड़ना, कौन लॉकडाउन करे कौन नहीं करे, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती। तो उन्होंने, केंद्र सरकार ने खुद फैसला लिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का नया कानून है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा इतना कहना है, जब केंद्र सरकार अपने ऐसे विशेषाधिकार का इस्तेमाल करती है, जब केंद्र सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल कर रही है, तो तब तो भाई फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जिम्मेवारी भी बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जिस हाईवे पे लोग चल रहे हैं तो केंद्र सरकार के हाईवे हैं, इसके बारे में क्यों व्यवस्था नहीं होती? यहाँ पे हाईवे पेट्रोलिंग की बसें चल रही है, जीप चल रही है, पुलिस के वाहन चल रहे हैं, सरकारी वाहन चल रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं? अब तक सरकार ने एक भी जगह स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था नहीं की है, जबकि हजारों लोग खड़े हुए हैं जिनको बसों में भेजना बहुत कठिन होगा। तो क्या रेस्पॉन्स वो हुआ है जो कि होना चाहिए था? केंद्र सरकार इन जिम्मेवारियों से बच रही है, लोगों को घर में राशन देने का व्यवस्था की गई है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं इनको जो खाने की जरूरत है वो व्यवस्था कौन? ये जो लाखों लोग शहरों में अटके हुए हैं, जिनका राशन कार्ड पीछे गांव में, उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा? अभी तक कोई जवाब नहीं है।
है केंद्र सरकार की तरफ से। और जो बात अर्थशास्त्री बार बार कह रहे हैं कि इस देश के कम 5-10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना जिनके पास बैंक का कुछ है, ना जिनके पास मनरेगा है, मगर जी और ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है इस वक्त। कल जो मैंने अमेठी की घटना बताई, वहां के जो वीडियो दिखाई थी, ये लोग हैं जो कबाड़ का काम करते हैं। पिछले 3 दिन में क्या किया है, एक दिन बताया थोड़ा सा चावल बचा था वो सब लोगों ने मिलके खा लिया, दूसरे दिन पड़ोस का कोई खेत था जिसके अंदर आलू की फसल ले ली गई थी लेकिन मिट्टी में कुछ आलू बच गए थे तो वो आलू बीन बीन के किसी तरह कुछ था नहीं। तो तीसरे दिन की घटना है, आज 5वां दिन है। 21 दिन कैसे चलेगा उन लोगों के लिए जिनके पास कोई आधार नहीं है, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उनको खाना चाहिए आज। अभी तक 5वां दिन हो गया है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है सरकार का उसके बारे में। बार बार अर्थशास्त्री लिख रहे हैं इस समय आप अपने गोदाम खोल दीजिए। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतने ज्यादा इस वक्त गेहूं और चावल पड़ा है कि उन्हें पता नहीं कि इसका क्या किया जाए। सड़ रहा है गेहूं और चावल, चूहे खा रहे हैं उसको। ये वक्त है गोदाम खोल देने का। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन ड्रेज ने कहा है गोदाम खोल दीजिए और कोई इसका काम नहीं है। जॉन ड्रेज के एक प्रसिद्ध अध्ययन ने बताया था कि दुनिया में अकाल वहां नहीं पड़ते जहां खाने की कमी हो। भुखमरी का मतलब ये नहीं कि देश में खाद्यान्न की कमी होती है, भुखमरी वहां होती है, अकाल वहां होते हैं जहां लोगों की जेब में पैसा नहीं होता। उन्होंने बताया था कि उसी देश में खाद्यान्न के भंडार भरे होंगे, लोगों की जेब खाली होगी तो लोग भूख से मरेंगे। यही चैलेंज इस वक्त है। इस वक्त लोगों की जेब में पैसा नहीं है, अब उनके पास खाना पहुंचाना है। सरकार का रेस्पॉन्स इसमें कमजोर है, अभी तक वो रेस्पॉन्स नहीं है जिसकी जरूरत। और ऊपर से थोड़ा सा हेराफेरी भी करते हैं, हाथ की सफाई भी करते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने सब किया। चौथा सवाल, फ्यूचर प्रिपरेशन। ये दिन है, ये 21 दिन में कोरोना समाप्त होने वाला नहीं है, ये 21 दिन में कोई बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी। ये 21 दिन हमने सिर्फ टाइम खरीदा है, हमने अपने लिए समय मांगा है, इसलिए ताकि इन 21 दिन में हम आने वाले 21 महीने की तैयारी कर सकें। मैं चाहता हूं ये बात हम समझ जाएं। हमारे देश में 1000 केस हैं कोरोना के इस वक्त, लेकिन वो तो इसलिए है क्योंकि हमने टेस्ट ही उन बहुत थोड़े लोगों को किया है जिनके बारे में बहुत पुख्ता शक था। ऐसे लाखों लोग होंगे जिनका टेस्ट होना चाहिए था लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। तो अगर आज हमारा आंकड़ा कहता है कि 1038 लोगों को वायरस है, इसका मतलब है कि कम से कम 10,000 को होगा, हो सकता है 1,00,000 को। और वो लोग इस वक्त पूरे देश में हैं, अलग अलग जगह पे आए हुए हैं, वो लोग फैल चुके हैं, अपने अपने गांव जा चुके, कॉलोनी जा चुके हैं, विदेश जा चुके हैं, ये सब हो चुका है। तो कोरोना वायरस और वो जहां जहां गए हैं उन्होंने आगे किसी और को पास ऑन भी कर दिया है। और ये कोई बदमाशी से नहीं हो रहा, गैर जिम्मेदारी से नहीं हो रहा, जैसा डॉक्टर बार बार बता रहे हैं, ये एक बीमारी है जिसमें पहले 4-5 दिन जिस व्यक्ति को वायरस हो चुका है उसे खुद पता ही नहीं होता, लक्षण भी नहीं आए, ना उसे बुखार है, ना उसे खांसी है, उसे कैसे पता लगेगा। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल भला, हो सकता है मेरे को इस वक्त वायरस हो और मेरे साथ बैठा हुआ मेरा बेटा उसको वायरस लग जाए, ये चीजें बिल्कुल संभव है। इसलिए आज जो जिन लोगों को हुआ है, हम मान के चले कि अब तक देश में 10,000 या 1,00,000 लोगों को वायरस लग चुका है, ये फैलेगा। इन 21 दिन का फायदा ये है कि ये बहुत तेजी से नहीं फैलेगा, ये धीमे धीमे फैलेगा, हमने डिले कर, या जैसे स्टेटिस्टिशियन या साइंटिस्ट कहते हैं, हमने इसके कर्व को फ्लैटन कर दिया। मतलब ये कि बीमारी यूं जो बढ़ने वाली थी हमने उसको थोड़ा यूं कर दिया है,
बढ़ेगी तो सही, धीरे बढ़ेगी, समय मिलेगा, इस समय का इस्तेमाल करना है। और ये सवाल सरकार के लिए, ये 21 दिन है अगर हमें अस्पताल तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए, अगर नए डॉक्टर को रिक्रूट करना है तो उसके लिए, अगर वेंटिलेटर इकट्ठे करने हैं तो उसके लिए, क्योंकि इस 21 दिन के बाद फिर इस बीमारी से मुकाबला होगा, फिर ये बढ़ेगी, फिर खबर आएगी कि अचानक मध्य प्रदेश के फला जिले के अंदर इसकी महामारी फैल गई है। अभी राजस्थान के भीलवाड़ा से और महाराष्ट्र के सतारा से, शायद दो जिलों से खबर आ रही है, वहां कोई खास कारण नहीं, ज्यादा विदेशी नहीं जाते, पर अचानक स्पॉट बन गया है, वहां पर बीमारी फैल रही है। अगले कई महीनों तक बार बार ये होगा, अचानक कहीं उड़ीसा के जिले से खबर आएगी वहां हजारों लोगों को संक्रमण हो गया। ये 21 दिन उसकी तैयारी के, ये 21 दिन इसलिए हैं कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके बारे में एक नेशनल पॉलिसी लेके आए, एक पूरी डिजास्टर रिलीफ की प्लान लेके आए। क्या वो बन रही है? अभी से उसके बारे में फैसला करना गलत होगा, 5 दिन हुए हैं, और जरूरी नहीं कि योजना बन रही हो तो हमारी आंखों के सामने रखी जाए, लेकिन ये सवाल है जिसका उत्तर देश जानना चाहेगा। तो मैंने आपके सामने 4 सवाल पूछे, जिन 4 सवालों को हमें सरकार से पूछना चाहिए। पहला ये कि क्या ये निर्णय लेने से पहले आपने तैयारी की थी, या कि एक्ट फर्स्ट थिंक लेटर, पहले कर दो देखी जाएगी बाद में सोचेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं जैसा डिमोनेटाइजेशन के समय हुआ था। दूसरा, क्या ये फैसले को ठीक तरीके से कम्युनिकेट किया गया जनता के पास? जितनी बदहवासी, भगदड़ ये सब हुई है, ये पुअर कम्युनिकेशन की वजह से तो नहीं हुई है। लॉकडाउन दूसरे देशों में भी हुआ है, लेकिन उन्होंने नोटिस दिया, समय से बताया, ऐसे नहीं कि 4 घंटे के अंदर सब कुछ बंद कर दो। तीसरा, कि क्या सरकार ने उसके बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको ठीक तरीके से रेस्पॉन्ड किया है? जो रोज नई चुनौती आ रही है, क्या सरकार फटाफट रेस्पॉन्ड कर रही है, चीजों को दबा रही है? और चौथा सवाल, क्या सरकार भविष्य के लिए तैयारी कर रही है 21 दिनों का फायदा उठा के? चौथे सवाल का तो खैर अभी कोई जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन पहले 3 प्रश्नों का जवाब फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। तो मैं फिर वही कहूंगा, मोदी जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए निर्णय के लिए, लेकिन निर्णय जिस तरीके से लिया गया, जिस तरीके से अनाउंस हुआ और निर्णय लेने के बाद जो हुआ, उसके बारे में देश को जवाब चाहिए। ये वक्त है सवाल पूछने का, इसलिए नहीं कि विरोध कर रहे, इसलिए कि लॉकडाउन की सफलता इन सवालों के जवाब पर निर्भर करती है। पिछले 48 घंटे से जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे हो रहा है, वो तो लॉकडाउन तो फेल हो गया, जहां हजारों लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं वहां कहां लॉकडाउन, वो तो एकदम मजाक बन जाएगा लॉकडाउन का। इसलिए लॉकडाउन की सफलता के लिए, चूंकि हम चाहते हैं कि देश में ये एक राष्ट्रीय इमरजेंसी है, ऐसे में ये नीति सफल हो सके, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, जैसा आप जानते हैं पहले दिन से हमने समर्थन किया है, जब हमारे साथियों ने खिल्ली भी उड़ाई तब भी हमने कहा नहीं, ये राष्ट्रीय इमरजेंसी है, इसमें हमें जिम्मेवारी से काम करना है। और बार बार एक डायलॉग अभी शाह और मैं बोला करते थे, ऐसे में हम सब ऐसे बिहेव करने हैं जैसे हम सरकार हैं, और विपक्ष सिर्फ एक है, कोरोना वायरस हमारा विपक्ष है और कोई विपक्ष नहीं है, हमें तो इस तरह से व्यवहार करना है। आपके सवाल आए हैं, एक साथी कह रहे हैं, रोहन कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि इसका एक साधारण उपाय यह था कि देश के सरकारी स्कूलों में इनके ठहरने और खाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। रोहन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, अलग अलग सरकारें कुछ कुछ कर रही हैं। केरला सरकार के बारे में कहना चाहिए कि केरला सरकार ने सबसे पहले कुछ करना शुरू किया, पहली सरकार थी जिसने कुछ किया। दिल्ली सरकार ने भी तमाम व्यवस्थाएं की हैं, तमाम लोगों को जगह दी गई है, स्कूल की व्यवस्था, स्कूलों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कई जगहों पे, मैंने सुना उत्तर प्रदेश में भी सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन सुझाव आपका बिल्कुल सही है कि ये जो लोग सड़कों पे अब चल रहे हैं, आ गए हैं, बुलाए तो नहीं, अब आ गए हैं, अब इनके लिए कम से कम उतनी व्यवस्था तो कर दें जो कांवड़ वालों के लिए व्यवस्था की जाती है। कांवड़ वाले हैं, वो तीर्थ की यात्रा कर रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल मजबूरी की यात्रा कर रहे हैं,
रास्ते में केला खिला दें, ठहरने की व्यवस्था कर दें, कहीं स्कूल के अंदर बैठने की व्यवस्था कर दी जाए, ये हो जाए। और कई प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं व्यवस्था, तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये इमरजेंसी की तरह होना चाहिए और जितना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। जितनी तत्परता से इन पे लाठी चलाई जा रही है, उतनी तत्परता से अगर इनको पानी पिला दिया जाता तो कितनी शानदार बात होती। सवाल है कुलवंत का, प्रेजेंट वी शुड फोकस हाउ वी कैन प्रिपेयर जॉब होल्डर वॉलंटियर्स फॉर हेल्पिंग देयर विलेजेस, देन ओनली वी कैन हेल्प एट ग्राउंड लेवल। हमें वॉलंटियर्स को तैयार करना चाहिए, आप कह रहे हैं कुलवंत जी। हम यही प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से हमारे वॉलंटियर स्वराज के साथी 3-4 काम कर रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन चलाई हुई है हमारे कुछ साथियों के साथ मिलके, युवा हल्ला बोल के साथियों ने हेल्पलाइन चलाई है, जिसमें पूछ रहे हैं किसी को कोई दिक्कत हो आप बताइए, एकदम अथॉरिटी से टच में कर रहे हैं, उनके समस्या का समाधान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स 2 काम कर रहे हैं। एक तो कुछ साथी खाना बना के यहाँ जो उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पे लोग फंसे हुए हैं उनको खाना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा दिल्ली से तमाम जगहों से जो शिकायत आ रही है लोगों की, परेशानी है कि खाने को घर में कुछ नहीं बचा, पे जब आएगा तब आएगा, और हर एक के पास तो राशन कार्ड। ये तमाम संस्थाएं ऐसा कोशिश कर रही हैं, हमारे भी वॉलंटियर यही कोशिश कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से इसी में लगे हुए हैं कि उनके घर 35-5 किलो चावल, 5 आटा, 1 तेल, नमक, आलू कम से कम, और 2 किलो दाल पहुंचा दी जाए। हम ये अगर आप इसमें सहयोग करना चाहें तो एक अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दीजिएगा। देश भर में जहां भी जो लोग इस संकट की घड़ी में सहयोग करना चाहते हैं, इससे बड़ा धर्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूं सबसे बड़ा धर्म इस समय यह है कि इन संकट वाले लोगों की मदद की जाए। तो कृपया आप इनबॉक्स के अंदर जो सजेशन दिए जाते हैं, जो कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने कांटेक्ट डिटेल दे दीजिएगा, हमारे साथी आपकी मदद करेंगे। और आपने ठीक कहा, वॉलंटियर की जरूरत है गांव स्तर पे भी। हर गांव में कम से कम 1-2 लोग ऐसे हों जिन्हें पता हो कि ये बीमारी क्या है और क्या नहीं है, जो खामखा डराए ना, और इसके लिए क्या लक्षण है और क्या किया जा सकता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा 21 दिन में हमें 21 महीने की तैयारी करनी है। तो इस तरह की वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है, आपका ठीक सुझाव है। गिरीश जोशी जी कह रहे हैं, सो यू आर सेइंग दैट दे शुड हैव अलाउड ऑल पीपल टू मूव बिटवीन स्टेट्स एंड प्लेसेस, इफ पीपल कैन स्टे एट होम दे कैन बी आइडेंटिफाइड एंड हेल्प बाय लोकल कम्युनिटीज, डिड पीपल डू इट। गिरीश जी आप पूछ रहे हैं कि अच्छा तो फिर लोगों को कह देते कि हाँ जिसने जाना है जाओ। देखिए 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनका अपना घर है जहां वो रहते हैं, उनको तो आप नहीं कह सकते कि जहां जाओ घूमो सैलानी टूरिज्म करो, लेकिन वहां रहता है जहां उसका घर नहीं है, जहां उसका ठौर ठिकाना नहीं है, जहां वो सिर्फ कुछ कमाने के लिए आया है, सुबह कमाता है शाम को खाता है, उस व्यक्ति को तो आपको इजाजत देनी ही पड़ेगी। तो यही होगा जो इस वक्त हो रहा है देश के अंदर, है ना, इससे तो कोई मुक्ति नहीं है। तो सरकार को इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, मैं केवल ये कह रहा हूं इसके बारे में एक प्लान होनी चाहिए थी। और अगर प्लान ये थी कि कोई कहीं हिलेगा भी नहीं, तो फिर आपको अगले दिन सुबह से नाश्ते का इंतजाम करना चाहिए, आपको लंच देना चाहिए। ये व्यवस्था अगर नहीं करेंगे, ये 48 घंटे बाद कहेंगे कि हाँ राज्य सरकारें ये व्यवस्था कर लेंगी, तो ये तो गंभीरता नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट के नाम पर डिजास्टर है। इफ पीपल कैन स्टे एट होम दे कैन बी आइडेंटिफाइड एंड हेल्प बाय लोकल कम्युनिटीज, डिड पीपल डू इट। लोकल कम्युनिटीज की 2 बात है गिरीश जी, एक तो जैसे कम्युनिटी में मैं रहता हूं, यहां कोई बुजुर्ग है बच्चे उनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल सेटल्ड कम्युनिटीज है। लेकिन आप याद रखिए, ये जो मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, ये स्टेबल सेटल्ड कम्युनिटी में नहीं रहते हैं, ये कहीं एक कमरे में किराए पे लेके एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो एक कमरे में 6 लोग हैं, किश्तों में रहते हैं, यानी कि 12 घंटे एक व्यक्ति रहता है, 12 घंटे दूसरे लोग आके सोते। कम्युनिटी नहीं है इनके इर्द गिर्द, ले दे के अपने गांव वाले लोगों का एक
है जो एक दूसरे से बात करते हैं। अजय कुमार जी कह रहे हैं ये बात सही है कि जो भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होगा उसे पड़ता निर्णय लेते समय वे आधार भी निर्णय को प्रभावित करते हैं जो निर्णय लेने वाले के दिमाग में मौजूद होते हैं। इस लिहाज से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में गरीब लोग थे या केवल भारत का मध्यम वर्ग था? ये सही सवाल पूछा है, कड़ा सवाल पूछा है कि ऐसा निर्णय लेते वक्त आपके सामने लोग कौन होते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ बातें आज तक कही, बैल्कनी में जाके थाली बजाइए, बैल्कनी होती किसके घर है, मेरे घर तो है, लेकिन जो एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता है वो कौन सी बैल्कनी में जाके थाली बजाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के पीड़ित शिकार लोगों से बात की है, वो कौन है? मध्यम वर्ग के लोग हैं। वो जो मजदूर है जो सड़क पे चल रहा है उससे तो बात नहीं की ना। और जैसा मैंने कहा, वो व्यक्ति जिसके पास ना बैंक अकाउंट है, ना राशन कार्ड है, ना नरेगा कार्ड है, वो तो प्रधानमंत्री के मन में एटलीस्ट अब तक तो दिखाई नहीं देता। उसकी ना कोई चर्चा है, ना उसके बारे में बात है। और ये पीड़ा है, ये चिंता है जो हम सबको सताती है, जो दुख देती है कि क्या ये लोग प्रधानमंत्री के मन में है भी या उनकी मन की बात के बाहर है। अमरनाथ जी कहते हैं इनकॉम्पिटेंट एंड एपेथेटिक पीपल आर सिटिंग इन पोजीशंस ऑफ पावर, दे डोंट रियली नो दिस कंट्री, दे डोंट कंसिडर दीज पीपल व्हेन दे फॉर्मुलेट एनी पॉलिसीज और इंप्लीमेंट एनी पॉलिसीज। अमरनाथ जी, काफी आपके स्ट्रांग जजमेंट है। मैं अभी तो नहीं कह सकता कि मैं 100% एग्री करता हूं, लेकिन अगर अगले आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं हुआ तो आपकी बात से सहमत होना पड़ेगा कि इनके दिल में, दिमाग में वो गरीब व्यक्ति है नहीं जिस पे असर पड़ रहा है। अमीरों की बीमारी है, सारा इसका खामियाजा गरीब लोग भुगत रहे हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको शायद दिख नहीं रहा, पता नहीं लग रहा, और जब दिख जाता है तो बस जो दिखा है उसका इलाज कर देते हैं। कल इतने सारे लोग दिख गए बस स्टैंड पे, टीवी पे खबर आ गई तो उनका रात में इलाज कर दिया गया, लेकिन जो दिखता नहीं है उसका इलाज नहीं, क्योंकि वो मन में नहीं। इब्राहिम जी पूछ रहे हैं अचानक लिया फैसला घातक होता है, अगर 1 महीने पहले एयरपोर्ट रोके होते तो ये हालात नहीं बनते। इब्राहिम भाई, मैं हर चीज के लिए दोष नहीं देता सरकार को। देखिए, ऐसे मामलों में, नेशनल इमरजेंसी में, आलोचना से पहले एक बार सोचना चाहिए आलोचना सही है या नहीं। एयरपोर्ट भारत ने बाकी देशों की तुलना में जल्दी बंद किए, इसके लिए मैं भारत सरकार को क्रेडिट देता हूं, आलोचना नहीं करता। भारत सरकार ने 12 मार्च के करीब बंद करने शुरू कर दिए थे एयरपोर्ट, 18 तक आते आते काफी किए थे, तो सरकार ने एयरपोर्ट बंद कर, कम से कम यूरोप की तुलना में हमने ज्यादा समझ की तुलना में हमने बेहतर काम किया है, मैं सरकार को इसके लिए दोष नहीं देता। जो अचानक लिए फैसले घातक होते हैं, ये मैं आपको सही, ये आपकी बात सही है। हमारे पास कम से कम इस देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के पास कम से कम 6 सप्ताह थे इस बीमारी के बारे में सोचने के लिए, प्लान बनाने के लिए, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर 4 दिन के नोटिस पे भी एग्जीक्यूट करना है तब भी ठीक है, 4 घंटे के नोटिस पे करना है तो ठीक है, लेकिन फिर आपके पास प्लान होनी चाहिए कि 4 घंटे के नोटिस पे करेंगे। ये कोई अर्थक्वेक नहीं आया है। अर्थक्वेक में आपको पता नहीं होता कब आ गया, कहां आ गया, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं। ये तो आपने भूकंप लाना था किसी दिन घोषणा करके, दिख रही थी, करना था। इसकी योजना कम से कम 2 सप्ताह पहले बन चुकी चाहिए थी, और इस तरह की अफरा तफरी, ये जो अराजकता और ये जो सबसे गरीब लोगों पे जो कहर बरप रहा है इस वक्त, इसका कम से कम 80% बचाया जा सकता था। फिर भी ऐसी बड़ी चीज में कुछ गलतियां होती, कुछ मार पड़ती, लेकिन समस्या को 80% समस्या को हम बचा सकते थे अगर पहले से प्लान किया जाता। एग्री, बट व्हाट इज द वे आउट? लॉन्ग एज प्रीडेटर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूज एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स। संजय भाई, आप कह रहे हैं कि जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक गरीबों के साथ यही होगा। मैं मानता हूं पूंजीवाद गरीबों के शोषण का तंत्र है, लेकिन यह कह देना कि पूंजीवाद ही दुनिया की हर समस्या का कारण है, यह ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही कहना हो गया कि इस देश में तलाक का एक कारण है शादी, ना शादी हो तो तलाक भी नहीं होगा। अब ये तो कोई अच्छा तर्क नहीं हुआ ना। पूंजीवाद है, पूंजीवाद के चलते गरीबों पे ज्यादा कहर बरप रहा है, लेकिन कोरोना की महामारी से पूंजीवादी देश भी पीड़ित है,
और वहां भी समस्याएं हो रही हैं, है ना। तो केवल पूंजीवाद को हम हर चीज का संपूर्ण कारण नहीं बता सकते। सुल्तान सत्तानी जी कह रहे हैं, सर डोंट गवर्नेंस जस्ट, वो याद दिला रहे हैं कि शायद आपके मन में नोटबंदी की बात होगी कि सरकार कर काम पहले कर देती है, सोचती बाद में। मुझे भी आज यही लग रहा है। जैसा आप जानते हैं, पहले दिन से मैं, मेरे सहयोगी कह रहे हैं, सरकार को इस वक्त केवल आलोचना नहीं, विरोध नहीं करें हम। जहां विकल्प हो विकल्प बताएं, जहां संभव हो रास्ता बताएं, केवल विरोध और आलोचना न करें। लेकिन आज मैं मजबूर हूं आपकी कई बातों से सहमत होने के लिए, आज मजबूर हूं ये कहने के लिए कि हाँ, सरकार ने जिस तरह से किया है, इसमें जो नौसखियापन दिखाई देता है वो तो ठीक नहीं है। और नोटबंदी के समय भी तो यही हुआ था, घोषणा पहले हो गई, उसके बाद 50 नोटिफिकेशन आए थे शायद आरबीआई के, हर बार नया नोटिफिकेशन आता था कि भाई पहले सोचा नहीं आपने इन सब चीजों के बारे में। और यही मुझे लगता है, कल नोटिफिकेशन, मंडियां खुली रहेंगी, इस देश में किसान है, मंडी है, टाइम है। ये फैसले बाद में होते हैं तो हैरानी होती है, और लगता है कि इतनी, मुझे भी कई बार महसूस होता है कि इस देश, इतने विशाल देश की जो अर्थव्यवस्था है और इतने विशाल देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, क्या प्रधानमंत्री उसे समझते हैं? गुजरात चलाना एक बात है, पूरे देश को चलाना, देश को उकसाना एक बात है, देश को चलाना कुछ दूसरा मामला है। और मुझे लगता है कि आपकी बात में दम है। ऋषु कुमार कहते हैं, गवर्नेंस हैज क्लियरली नेग्लेक्टेड द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ दिस कंट्री। सर हाउ डू यू सी गवर्नमेंट पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिमोनेटाइजेशन एंड डिस लॉकडाउन। ये कई लोगों के मन में नोटबंदी और ये जो तालाबंदी है, एक साथ अब आ रही है। और सही बात है, दोनों में 4 घंटे का नोटिस दिया गया, दोनों में एक ही तरह से किया गया, और दोनों में एक्शन पहले हो गया, थिंकिंग कुछ बाद में हो रही थी, प्लानिंग बाद में हो रही थी। तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और इसे केवल प्रो मोदी एंटी मोदी में नहीं बदलना चाहिए। मैं जानता हूं तमाम लोगों को जो मोदी जी का समर्थन करते हैं, और मैं भी इस फैसले के समर्थन करने वालों में हूं, चाहे आज के 6 महीने बाद पता लगे कि नहीं, इस फैसले के बिना काम चल सकता था। लेकिन जो परिस्थिति थी दुनिया में, जो कुछ हो रहा था, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। तो आज हम चर्चा ये नहीं कर रहे कि फैसला उचित था कि नहीं, कम से कम हमारे पास आधार नहीं, मैं टेक्निकल वो नहीं हूं। लेकिन फैसला कैसे लिया गया, कैसे लागू किया गया, उसमें फिर ये नोटबंदी की याद आ रही, और ये कोई बहुत प्रधानमंत्री की छवि के लिए अच्छा काम नहीं है जो हो रहा है। वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, आपकी दृष्टि में ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? भाई कह नहीं सकते, मुझे लग रहा है कि 21 दिन में नहीं होगी, सुलझेगा नहीं मामला। हो सकता है उसको लॉकडाउन ना कहा जाए, किसी ना किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस काफी समय तक चलेंगे। लॉकडाउन कर्फ्यू जैसी स्थिति अगर हट भी गई तो किसी ना किसी दूसरे माध्यम से रहेगी। हमें काफी दिन तक तैयार रहना चाहिए कि हमें घर से बाहर निकलने की फ्रीडम नहीं रहेगी। इसमें देखिए, और इसमें केवल सरकार को दोष मत दीजिए, जिन दो लोग देशों ने फ्रीडम दे भी दी थी उनको दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा है। साउथ कोरिया को आज दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति ना हो कि बार बार करना पड़े, मगर हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि ये लंबा हो सकता है। नीतीश तिवारी जी पूछ रहे हैं, क्या देश में आर्थिक आपातकाल लागू करने के लिए उचित वक्त है? जी नहीं, हमारे देश में जो आर्टिकल 360 के तहत आर्थिक आपातकाल है, उसकी एक विशेष परिस्थिति है, जब देश में बिल्कुल प्योर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, यानी कि सरकार के पास पैसा ना बचे, या जैसे ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था, अचानक रुपए की कीमत रातों रात खत्म हो जाए, वैसी स्थिति नहीं है। जो सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, और उसके तहत जो कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं लिए जा रहे हैं। संविधान के तहत नई चीज तो आप तब करें ना जब आप जो करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो। सरकार जो निर्णय करना चाह रही है वो कर पा रही है, इस वक्त कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर इसमें क्यों किया जाए? विनोद उपाध्याय जी का, ए आर पाटिल जी का सवाल था, प्लीज टेल मी अबाउट सेफ्टी स्टेप्स फॉर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। दो तरह की सेफ्टी है जी एग्रीकल्चर की, एक तो कोरोना से सेफ्टी, उसके लिए तो जब काम करें तो बहुत झुंड में काम ना करें, क्योंकि ये कटाई का समय है, बहुत झुंड में ना करें,
अलग अलग रहें, कुछ दूरी बनाए रखें, जो सरकार कह रही है वो सब होना चाहिए। दूसरी सेफ्टी उसके जीवन की, आजीविका की सेफ्टी भी है भाई। आप याद रखिए, यही वो समय है जब देश के अधिकांश किसान अपने खाने पीने के लिए साल भर का जुगाड़ करते हैं। वैसे दो फसलें होती हैं, लेकिन ये प्रमुख फसल है। रबी की फसल में ही देश के ज्यादातर किसान को जो कुछ मिलता है मिल सकता है, तो उसके उसका भी इंतजाम करना होगा, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। विनोद उपाध्याय जी का सवाल है, व्हाई पीपल आर गोइंग टू विलेज, गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट लोकली, इफ ही इज नॉट रिटर्न टू मेट्रो सिटी आवर इकोनॉमी इज फुली डैमेज, लोग क्यों जा रहे हैं? विनोद जी, आप तो उत्तर जानते हैं, जैसे मैंने कविता पढ़ के सुनाई थी, भूख उन्हें रोक रही है और वो भूख भूख से हाथ छुड़ा के जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है जाने का। क्यों जाएगा बताइए? जो गांव छोड़ के आया है मुंबई में रहने के लिए, चेन्नई में आया है, राजस्थान से चेन्नई में गया है, वो किसी काम के लिए गया है ना, खुशी के लिए तो नहीं गया। और जब उसको रोजगार मिलेगा तो वहां टिकेगा, घर आने से पहले उसको किराया चाहिए, मुसीबत, कोई भी रास्ता बचा होगा तो वो जरूर चेन्नई में रुकेगा। जब चेन्नई छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि सारे रास्ते उसके बंद हो गए हैं। हमें व्यवस्था, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मजदूर आज दिल्ली में, किसी को लग सकता है कि चलो इतने लोग गए, दिल्ली हल्की हो गई, लेकिन याद रखिए, दिल्ली इन्हीं के सहारे चलती है। यही वो मजदूर हैं जो दिल्ली को अपने कंधे पे उठा के चलाते हैं, किसी भी बड़े शहर को चलाते हैं, इनके बिना देश का कोई बड़ा शहर चल नहीं सकता है। तो इसलिए इन्हें लाने की व्यवस्था तो करनी ही होगी। वीरेंद्र जी कह रहे हैं, क्या चीन में भी लॉकडाउन के बाद ऐसे ही कामगार तबके के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी? चीन सरकार ने इस भीड़ को किस तरह से नियंत्रित किया? दो अलग बात है भाई, चीन में जो कुछ हुआ वो तो एक सबसे सरकार जो करती है वो हमारी सरकार कर नहीं सकती, और करना चाहिए नहीं। चीन में तो उन्होंने लोगों के दरवाजे को बंद कर दिया, सरकार ने बाहर से लोगों के ताले लगा दिए थे घर दरवाजे में कि तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते। ये लोकतांत्रिक देश में हो नहीं सकता, होना चाहिए भी नहीं। और दूसरा, चीन को पता था कि इस इलाके में सारी समस्या कंसंट्रेटेड है, तो वो कुछ कर सकते थे। हालांकि चीन में भी, जैसा बाद में आपने देखा होगा, वुहान से बहुत लोग गए, लाखों लोग वुहान से बाहर निकले, और चीन सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो किसी सरकार के पास कोई श्योर शॉट ताबीज या नुस्खा नहीं है जिससे समस्या सुलझ जाएगी। हम सबको सोचना होगा, भारत सरकार के पास भी ऐसा कोई ताबीज नहीं है, सीख रहे हैं, गलतियां होंगी इस प्रक्रिया में, मेडिकल फ्रंट पे कुछ मिस्टेक होंगी, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी, इसमें कोई मिस्टेक की जरूरत नहीं थी। ये जानने के लिए कि इस देश में किसान है और उनको अपनी फसल कटाई करनी है, इसमें क्यों आप मिस्टेक कर रहे हो, इसकी तो कोई कारण नहीं है ना। प्रमोद कुन्याल जी, सर व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट इवैक्यूएटिंग बाय एयर एंड रेल ट्रांसपोर्ट? एयर तो भाई बहुत महंगा पड़ेगा, कौन उसको अफोर्ड कर सकता है? कह रहा हूँ स्पेशल ट्रेन चला दीजिए, अब ये एक दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ भाई, जो सड़क पे बैठा हुआ है वो तो इन्फेक्ट ऑलरेडी कर रहा है ना, जो 200 लोगों का झुंड बना के चल रहा है, वो तो सब जो इन्फेक्शन होना था वो तो हो लिया, आप उसको तो वापस पहुंचा तो दो बेचारे को। तो ये एक समस्या है। भगवान काकड़े जी पूछ रहे हैं, राइट नाउ व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ दिस लॉकडाउन ऑन कॉमन पीपल हाउस होल्ड नीड्स? हम इसके बारे में चर्चा करते ही रहे, पिछले 10 दिन से मैं बार बार कह रहा हूं कि देश में इस वक्त दो संकट है, कोरोना का संकट है, जीवन का संकट, और दूसरा आजीविका का संकट है, लाइवलीहुड क्राइसिस, दोनों क्राइसिस एक साथ हो रहे हैं, और ये गरीब बहुत बड़ा संकट है, इसका हमें सामना करना पड़ेगा। वर्षा भाई जी पूछ रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम हाउ डू यू थिंक 8 PM डिसीजन विद ए 4 आवर विंडो आर जस्टिफाइबल? दिस इज मोर कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट रेलेवेंट मिनिस्ट्री इज रिपीटेडली इग्नोर्ड, दीज डिसीजन आर टर्निंग इन टू क्रिमिनल ऑफेंसेज विद पीपल लूजिंग देयर लाइव्स एज ए रिजल्ट, वी कैनॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट सर। वर्षा, इतना बड़ा फैसला सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे घोषणा करना, ये तो ठीक नहीं, और वो तब जबकि आपने अगले दिन सुबह की तैयारी ना की हो। यही प्रश्न मैं आज पूछ रहा हूं, प्रश्न फैसले के बारे में नहीं है, फैसला लेने से पहले क्या तैयारी की गई, फैसले को जिस तरह से घोषित किया गया और फैसला लेने के बाद जैसा रिस्पॉन्स किया, उस पर सवाल उठा रहा हूं मैं, और देश को सवाल उठा, इसलिए उठाना चाहिए। हम अभी सरकार का मूल्यांकन करने नहीं बैठे हैं, वो तो हो, जब होगा तब होगा। आज अगर आप और मैं आवाज उठाएंगे तो सरकार को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश नोएडा बॉर्डर के बारे में जब पूरी टेलीविजन चैनल्स ने कहा, तब जाके कुछ एक्शन करना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को, जिससे फायदा हुआ, जिससे लॉकडाउन को फायदा हुआ। आखिर में मैं आपको फिर वही बात कहना चाहता हूँ, जॉन ड्रेस, और मैंने जॉन ड्रेस की बात की थी जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी, दुनिया के अकाल पे, दुनिया में अकाल क्यों पड़ते हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने बताया था कि अकाल ऐसे देशों में भी पड़ते हैं जिनके पास खूब खाद्यान्न के भंडार उपलब्ध होते लेकिन जहां लोगों के पास परचेसिंग पावर, लोगों की जेब में पैसा खत्म हो जाए, तो कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने चीन का और भारत का, चीन का और दूसरे लोगों का देशों की तुलना की थी, और उन्होंने कहा था कि चीन में अकाल बहुत बड़ा पड़ा जिसमें बहुत लोगों की मौत हुई। मौत इसलिए हुई कि चीन के शासकों तक आवाज ही नहीं पहुंची, क्योंकि चीन डिक्टेटरशिप था, इसलिए लोगों की आवाज शासकों तक नहीं पहुंची, वो मर गए और किसी को पता भी नहीं लगा। और लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा था, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि लोकतंत्र में हल्ला होता है, जब हल्ला होता है तो लोगों का दर्द, उनकी आवाज पहुंचती है और शासकों को कदम उठाने पड़ते हैं, और इसलिए भुखमरी से बच जाते हैं। लोकतंत्र में भुखमरी इसलिए नहीं होती क्योंकि आवाज उठती है, हल्ला होता है, आलोचना होती है, विरोध होता है। इसलिए आपको आखिर में बस यही विचार मैं आपके पास छोड़ के जाना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हम आवाज उठाएं। आज इन 21 दिनों के बीच भी आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है, आवाज उठाना इस इमरजेंसी में राष्ट्र के अहित का काम नहीं है, ये राष्ट्र के हित का काम है। ये ध्यान दिलाना कि अमेठी के जायस कस्बे के स्टेशन के बाहर कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, आज 5वां दिन हो गया है, उन्हें खाने का संकट है, ये बता के आप देश की मदद कर रहे हैं, आप सरकार की मदद कर रहे हैं, आप इस लॉकडाउन को सफल करने में योगदान दे रहे हैं। तो आवाज उठाइए, विकल्प बताइए, और जहां जहां जिस किस्म का संकट हो उसकी दे रहिए। इस फेसबुक पे आप मेरे को कोई भी संदेश भेजिए, हमारे साथी अगले 20 दिन तक इस फेसबुक को मॉनिटर करते रहेंगे, आपकी जो सूचना होगी हम कोशिश करेंगे, जो संकट जरा सोच के सूचना दीजिएगा, जो सूचना दें पूरी डिटेल्स भी दीजिएगा, साथ में कोई फोन नंबर भी दीजिएगा जहां हम बता सके, जहां जो जो कुछ भी आपको संकट लगता है उसकी सूचना दीजिए, हम उसकी सूचना अथॉरिटीज तक पहुंचाएंगे, उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें इसके बारे में जानना चाहिए, और हम सब लोग मिलकर इस बड़े राष्ट्रीय संकट में समाधान करने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सबको धन्यवाद, एक बार फिर धन्यवाद, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सफाई कर्मचारी को, मेडिकल स्टाफ जितना भी लगा हुआ है, मीडिया के लोग, पुलिस के लोग, जो जो लोग इस वक्त बाहर हैं हमारे आपकी सेवा के लिए, और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे, ये राष्ट्र की सेवा है, ये सच्चा राष्ट्रवाद है, और इस सच्चे राष्ट्रवाद में हम अपने आप को सच्चा भारतीय साबित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।